वाह, लगता है मेरे फैसले ने कमाल करना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। अब वापस आओ बूमरैंग। तुम्हारी ये हालत सिर्फ कुछ देर के लिए है ना? मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। तुम जानते हो यही असली परेशानी है, समझे तुम? बेहतर होगा तुम इस परेशानी का सामना करो, इसे भागो मत। पता है, पता है, पता है, पता है, पता है, मैं समझ गया, ठीक है? मुझे इस परेशानी का सामना करना चाहिए चट्टान की तरह, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बस नहीं कर पा रहा हूँ। एंग, अगर पानी आग से बिल्कुल अलग है तो हवा से बिल्कुल अलग क्या है? मुझे लगता है पृथ्वी। तभी तो इसे करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है, तुम एक बिल्कुल अलग तत्व से खेल रहे हो, पर तुम ये जल्दी सीख जाओगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जल्दी सोचो। बहुत खूब, तुम में एक बेहतरीन वाटर बेंडिंग गुरु होने के सभी गुण हैं। शुक्रिया कटारा, गुरु कटारा। आग ताकत का तत्व माना जाता है। अग्नि देश के लोगों में चाह और इरादा होता है, और उन्हें जो भी चाहिए उसे हासिल करने की शक्ति भी। पृथ्वी पदार्थ का तत्व माना जाता है। पृथ्वी सल्तनत के लोग अलग अलग तरह के और मजबूत होते हैं, वो सहन शक्ति वाले और अटल होते हैं। हवा आजादी का तत्व माना जाता है। हवा के साथ ही दुनिया के झंझटों से दूर रहकर आजादी और शांति पसंद करते हैं, और उनमें मजाक करने की भी क्षमता होती है। पानी बदलाव का तत्व माना जाता है। पानी प्रजाति के लोग अलग अलग हालात में खुद को बखूबी ढाल सकते हैं, कुछ भी हो। उनका प्यार और समाज सेवा की भावना उन्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाती है। पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? अलग अलग जगहों से समझ लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ एक जगह से समझ लें तो उससे हमारी सोच बढ़ नहीं पाती। दूसरों को समझना, यानी दूसरे तत्वों को, दूसरे देशों को, इससे हमारा पूरी तरह विकास होता है। चाचा, इन चारों तत्वों की बातें सुनकर तो मुझे अवतार की याद आ रही है। अवतार में इतनी ताकत इसलिए होती है क्योंकि एक ही इंसान में ये चारों तत्व मौजूद होते हैं। पर इससे तुम भी ताकतवर बन सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें जो तकनीक सिखाने वाला हूँ वो मैंने वाटर बेंडर्स को गौर से देख कर सीखी है। मुझे ये अखरोट तुम्हारे बैग में से मिले, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? और वैसे भी अगर तुम्हें बुरा भी लगा हो तो भी तुम इतने डरपोक हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे मिल बांट कर खाने में खुशी होती है। जानते हो, तुम्हारी ये बात सुनकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास अखरोट तोड़ने के लिए एक बढ़िया चीज है। असल में बेहतर होगा तुम इसे। ये एक बहुत ही पुरानी भिक्षुओं द्वारा बनाई गई लाठी, ये बहुत ही नाजुक चीज है। वैसे यहाँ सिर्फ एक ही अकेली नाजुक चीज नहीं है, समझे? ओम। सुनो एंग, क्या तुमने? मैं ध्यान लगा रहा हूँ। ये जरूरी है, सूरज डूबने वाला है और सौका अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना चाहिए। हम अलग अलग उसे जल्दी ढूंढ पाएंगे। अच्छा सुनो, ऊपर वाले या नीचे वाले जो भी इसका रखवाला है, अगर मैं इस हालात से जिंदा बाहर निकला तो मैं मटन खाना छोड़ दूंगा और ताना कसना भी, ठीक है? अब मैं और क्या करूं? मैंने अपनी पूरी पहचान ही दे दी, सौका मटन और ताना कसने वाला लड़का। पर अब मैं सौका एक शाकाहारी और सीधी बात करने वाला लड़का बन जाऊंगा। सौदा? एंग, क्या बात है, तुम्हारे पास थोड़ा मटन है? सौका, तुम ठीक तो हो ना? रुको रुको, इस तरह मेरी उंगलियां तो बाहर आ जाएंगी पर मैं अंदर का अंदर रह जाऊंगा। मैं एयर बेंडिंग करके तुम्हें निकाल लूंगा। एंग, माना कि तुम इसमें काफी नए हो, पर तुम अर्थ बेंडिंग करके मुझे बाहर क्यों नहीं निकालते? मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर टॉफ को क्यों नहीं बुलाते? मैं ये भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? पर क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा करके मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? और मैं इस तरह अटका हुआ हूँ, वो अच्छा लग रहा है तुम्हें? नहीं सौका, ये अर्थबेंडिंग ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। मुझ पर कितना दबाव है, सब लोग चाहते हैं मैं इसे एक बार में सीख जाऊँ, वो ये नहीं सोचते मैं कितनी अजीब हालत में हूँ। अजीब हालत? मैं ये बखूबी जानता हूँ। अगर मैं कोशिश करूँगा तो हार जाऊँगा,
और अगर कोशिश नहीं करूँगा तो कभी नहीं सीख पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बीच में कहीं अटका हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ एंग। ये है मेरा दोस्त फूफू छुटकू पुप्स। फूफू छुटकू पुप्स ये है एंग। कितना प्यारा नाम है इस एक दांत वाले जंगली हिरन के बच्चे का। क्या ये एक दांत वाला जंगली हिरन नहीं लगता? ये तब पता चलेगा जब इसके बड़े दांत और सींग उग जाएंगे। यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? तुम्हारी माँ खो गई है? वाटर बेंडर्स का मतलब ऊर्जा के बहाव से है। एक वाटर बेंडर अपने बचाव को अपना हथियार बनाता है दुश्मन की ऊर्जा को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके। हाँ, और मैंने इस तकनीक को बिजली के द्वारा सीखा। क्या आप मुझे बिजली की दिशा बदलना सिखा सकते हैं? अगर तुम अपने अंदर की ऊर्जा को बहने दो तो बिजली उसका पीछा जरूर करेगी। तुम्हें अपनी उंगलियों से एक रास्ता बनाना चाहिए, तुम्हारे हाथों के ऊपर से तुम्हारे कंधे तक और फिर नीचे तुम्हारे पेट में। तुम्हारे शरीर में पेट ही ऊर्जा का केंद्र होता है, उसे ऊर्जा का सागर कहा जाता है। जहाँ तक मेरी बात है तो ये एक महासागर की तरह है। फिर पेट से ऊर्जा की दिशा अपने दूसरे हाथ पर मोड़ दो। पेट पर ये चक्कर जरूरी होता है। कभी भी बिजली को अपने दिल से गुजरने मत देना क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। अब तुम्हें इसे खुद करके देखना होगा ताकि तुम्हें इसके बहाव का एहसास हो सके। इस तरह। क्या अपनी ऊर्जा पर ध्यान लगा रहे हो? तुम्हें महसूस हो रहा है कैसे ऊर्जा अंदर, नीचे की तरफ, ऊपर, बाहर जा रही है? जी चाचा, लगता तो है। चलो भी, तुम्हें बहाव को महसूस करना चाहिए। बहुत खूब, तुम्हें आ गया। बढ़िया, अब मैं असली बिजली को आजमा सकता हूँ। क्या पागल हो गए हो? बिजली खतरनाक होती है। मुझे लगा इसलिए आप मुझे सिखा रहे हैं, वो भी इसलिए ताकि मैं खुद की रक्षा कर सकूं। हाँ, पर मैं तुम्हारे ऊपर बिजली नहीं फेंकूंगा, समझे तुम? अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें कभी इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। लीजिए, हमें आपका बच्चा मिल गया। देखा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके दोस्त हैं। एंग, ये ठीक नहीं है, तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुनो एंग, तुम्हें अर्थ बेंडिंग करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। बस अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस मजा ले रही हूँ। क्या मतलब तुम यहाँ पहले से बैठी हो? ऐसा ही समझो। तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सौका मुसीबत में था, मैं मुसीबत में था, तुम उसे बाहर निकाल कर हम दोनों की मदद कर सकती थी। शायद मैंने ये बात सोची नहीं। बहुत हो गया, मुझे मेरी लाठी वापस चाहिए। उसे अभी करो। क्या? अर्थ बेंडिंग नाजुक पैर। तुम एक जंगली जानवर के सामने बहादुरी से डटे रहे, और इससे बढ़िया बात है कि तुम मेरे सामने भी डटे रहे, मतलब तुम सीख गए। पर चलो करो। दिखाया तुम एक अर्थ बेंडर हो, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, जरा देखो तो, ये पल वाकई बहुत ज्यादा भावुक है। अब क्या तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो ताकि मैं तुम दोनों से गले मिलकर ये पल बांट सकूं? हाँ बिल्कुल सौका। दरअसल बेहतर होगा कि मैं उसे बाहर निकालूं। तुमने अभी अभी ये हुनर सीखा है, हो सकता है वो और अंदर दब जाए। हाँ, ये टॉफ को ही करने दो। सौका, तुम कहाँ थे? इतने वक्त से मैं उस गड्ढे में था, मैं नहीं जानता था कि मैं जीऊंगा या मरूंगा।
अपने हालात से मैंने एक जरूरी बात सीखी और वो ये है कि कटारा देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने कर दिखाया, मुझे तुम पर यकीन था। तुमने उसे अलग तरीके से समझाया है ना? हाँ, और काम बन गया। आपा, आपा, मैं अर्थबेंड कर सकता हूँ। सबसे अहम बात है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर हमेशा डटे रहना। मुझे हमेशा तुम्हारी ज्यादती का शिकार होना पड़ा है और मैं उसे सहन कर सकता हूँ, और अब मैं वो तुम्हें वापस करता हूँ।